वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टेन आज हम 2020 के बोर्ड एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे कंस्ट्रक्शन में आपको काफी वैरायटी आई थी सेट वन टू और थ्री मिला के तीनों को कवरअप की गई है तो पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर बी सी फाइव सेंटीमीटर एंगल बी इक्वल सिक्सटी डिग्री नाउ कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रेंगल हुई थ्री टाइम्स दॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देखिये इसमें आपको दिया हुआ है ए बी सिक्स बी सी फाइव तो सबसे पहले हम अगर एक बेस ले लें ए बी का और बी को हम इस तरफ लेंगे ताकि हमारे को एक एंगल बनाने में आसानी रहती है हमेशा इस तरफ बनाने में आसानी रहती है तो हम एंगल इसका अगर ये बी है ये ए है बी पर हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है 60 डिग्री बनाने के लिए आप एक आर्क लेंगे बी से कोई भी रेडियस का और सेम रेडियस मेंटेन करते हुए आपको एक और आर्क कट करना है यहां से और फिर आप इसे ज्वाइन करिए और एक्सटेंड करके छोड़ दीजिए क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि आपका सी पॉइंट कितनी दूरी पर आएगा अब हमारे पास है कि बी सी फाइव सेंटीमीटर्स हमें दिया हुआ है आपको बी सी के लिए फाइव सेंटीमीटर लेकर बी पॉइंट से एक आर्क कट कर करना है ये इस एक्सटेंडेड लाइन पर और इसे कनेक्ट कर देना है आपको ए से तो आपका ये ट्राइंगल तैयार है ए बी और सी ये आपका पहला ट्राइंगल है जो दिया हुआ है अब इसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना है दूसरा ट्राइंगल जो जिसकी साइज टू बाय थ्री टाइम्स हो इसकी उसके लिए फिर वही प्रोसीजर रहेगा एक अक्यूट एंगल बनाइए उस पर तीन आर्क काटने हैं क्योंकि आपको टू बाई थ्री टाइम्स करना है टू बाई थ्री का मतलब है नीचे डिनोमिनेटर थ्री है तो आपको उतने ही नंबर ऑफ आर्ग को कट करना है लास्ट वाले आर्क को आप ए से ज्वाइन कर देंगे सपोज ये था आपका बी वन बी टू बी थ्री अब आप आपको B3 A के पैरेलल एक लाइन बनानी है B2 से B3 A के पैरेलल आप इसको डायरेक्ट रोलर स्केल से भी बना सकते हैं या एक आर्क लीजिए इस तरीके से B3 से कट करिए सेम रेडियस मेंटेन करते हुए आप B2 से भी कट कर लीजिए इस तरह फिर आपको ये डिस्टेंस जो दोनों पॉइंट्स पे ये मिला है आपको ये डिस्टेंस को मेंटेन करिए इस पर और अब आप इस आर्क को इस पॉइंट से कट करिए जो आपके पास एक आर्क रेडी था उस आर्क पर आपने ये पॉइंट कट किया और इस लाइन को ज्वाइन किया ये आपका देखिए लाइन पैरेलल आई है दिस इज बी थ्री ए के पैरेलल है बी टू और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए डैश तो आपका बी थ्री ए इज पैरेलल टू बी टू ए डैश अब आपको दूसरी लाइन बनानी है जो ए सी के पैरेलल है ए सी के पैरल लाइन बनाने के लिए फिर आपका प्रोसीजर वही सेम रहेगा ए से आप एक आर्क बनाएंगे और सेम रेडियस लेके आप ए डैश से भी एक आर्क बनाएंगे फिर आप ये वाला डिस्टेंस ले, ले, लेंगे इस पर और ये देखिए इस तरीके से इसको लेकर यहां पर भी सेम इसी आर्क पर यही रेडियस कट करेंगे और फिर हम ज्वाइन करेंगे देखिए एक ये लाइन है ए डैश ए सी और एक लाइन आपकी मिलेगी ए डैश सी ये मिलेगी आपको जब तो नया पॉइंट आपका आ जाएगा सी ए डैश को जब आपने बी सी से ज्वाइन किया तब आपको रिक्वायर्ड पॉइंट मिला ए डैश सी डैश अब देखिए आपका ट्राइंगल है ए डैश सी डैश बी और यहां पर आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है ये वाले ट्राइंगल की साइड जो है वो है टू थर्ड ऑफ दिस ट्राइंगल देखिए आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आप इसका गिवन डेटा लिख दीजिए ए बी इक्वल्स सिक्स बी सी इक्वल्स फाइव एंगल बी सिक्सटी देखिए इस तरीके से आपने क्या किया था एक छोटा सा बेस लिया था ए बी सिक्स सेंटीमीटर उस पर एक एंगल बनाया था सिक्सटी डिग्री का और उस पर हमने बी सी कट किया था फाइव सेंटीमीटर उससे आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी तैयार था बी ए इधर लेने का मकसद ये था कि 60 डिग्री एंगल इधर बनाना आसान था अब आपने जब फाइनल कंस्ट्रक्शन करी तो आपका ए डैश बी एज टू थर्ड ऑफ ए बी ए डैश सी डैश ए डैश सी डैश इज टू थर्ड ऑफ ए सी और सिमिलरली बी सी डैश आपका टू थर्ड है बी सी के तो ये थी आपकी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आई थी एक और हम करेंगे जिसमें अभी एक और ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन है जिसमें तीनों साइड्स दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल विद्स एंड सेवन सेंटीमीटर्स नाउ कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुई थ्री टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल यहां भी देखिए ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है हम इसका बेस ले लेंगे सेवन सेंटीमीटर्स क्योंकि इसमें देखिए गिवन डेटा अगर हम देखें तो इसका एक साइड अगर कोई भी एक साइड है सेवन दूसरी साइड है इसकी सिक्स और ये तीसरी साइड भी है हमारे को फाइव सेंटीमीटर्स अब ये देखिए कि हमारे पास अगर हमने इसको ए बी माना है ए बी ये सेवन सेंटीमीटर्स ले ली, तब आपको ये चाहिए कि बी सी डिस्टेंस मेंटेन करना है सिक्स सेंटीमीटर तो एक आर्क होएगा सिक्स सेंटीमीटर का बी से डी के लिए हमने लिया सिक्स सेंटीमीटर आर्क यहाँ थोड़ा सा आर्क बड़ा लेने की आदत डालिए फिर लेंगे फाइव सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए ए से हमने लिया फाइव सेंटीमीटर्स का आर्क और इस पे कट किया अब आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया है सी सी को आपने बी और ए से ज्वाइन कर दिया तो आपका पहला ट्राइंगल तो तैयार है ए बी सी उसके बाद आपको चाहिए एक ट्राइंगल जिसकी साइज इसके टू थर्ड्स हो सिमिलरली जैसे हमने पहला वाला किया था बिल्कुल वैसे ही एक आपको अक्यूट एंगल लेकर एक लाइन बनानी है और अक्यूट एंगल आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं कोई बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है आपको फिर से आपको इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है थ्री पार्ट्स में इसलिए करना होता है क्योंकि जितना आपका डिनोमिनेटर होता है उतने में ही डिवाइड करा जाता है और इसका नाम अगर हम दे दें ए वन ए टू ए थ्री अब आपको ए थ्री बी को ज्वाइन करना है ए थ्री बी को ज्वाइन करने के बाद आपको एक लाइन पैरेलल बनानी है जो ए थ्री बी और ए टू से बने ए थ्री बी के पैरेलल लाइन ए टू से तो देखिए फिर वही करेंगे हम एक ए थ्री से अक्यूट एंगल छोटा सा लेके हम यहां पर इसका एक बनाएंगे आर्क इधर पर भी एक आर्क बनेगा और फिर ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे देखिए ये डिस्टेंस मेंटेन कर हम इस पॉइंट से कट करेंगे ये पॉइंट आपका वो है जिससे कि आपको एक लाइन पैरेलल मिलेगी A3B के A3B के लाइन जब आपको पैरेलल मिल गई है तब आपकी ये साइड मिल गई आपको ए बी डैश ए टू बी डैश ए थ्री बी के पैरेलल है देखिए ए थ्री बी के पैरेलल है ए टू बी डैश कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आपको याद रखना है अब हमें बी से एक आर्क कट करना है एक छोटा सा आर्क सेम रेडियस लेकर हमें एक बी डैश से आर्क बनाना है और फिर ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये देखिए ये एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस आर्क से कट करिए और फिर बी डैश को इस पॉइंट से जोड़कर एक्सटेंड करेंगे ए सी पे कट करते हुए ये देखिए इस तरीके से हमने जब एक्सटेंड किया तब हमारा ये कट करा इस पॉइंट पे इसका नाम हमने दिया सी डैश तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है बी डैश सी डैश एंड ए ये देखिए ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल था इसको अगर मैं अभी डाक कर दू ये देखिए ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ए सी डैश बी डैश जिसकी देखेंगे तो आप ए सी डैश इज इक्वल टू टू बाय थ्री ऑफ ए सी और सारी साइड्स इसी तरह टू बाय थर्ड होंगी आपकी पुरानी वाली ट्राइंगल की साइड से और यही आपकी एक रिक्वायरमेंट थी ए बी डैश शुड बी टू ऑफ ए बी ए सी डैश शुड बी टू ऑफ ए सी और थर्ड साइड बी बी डैश डैश सी सी इज ऑफ इसका मतलब ये कि ये दो सिमिलर तैयार हैं ए सी डैश बी डैश इज सिमिलर टू ए सी बी और वो ट्रेंगल है टू थर्ड ऑफ द गिवन ट्राइंगल अंदर वाला ट्रेंगल आपका टू थर्ड ऑफ द गिवन ट्राइंगल है सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का जिसमें सर्कल पर दो टैंज बनाने हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट पी सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ड्रॉ टू टैंजेंट टू सर्कल। सबसे पहले इसमें हम एक थ्री पॉइंट फाइव का डिस्टेंस लेंगे राउंडर पर और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर हमने ओ दे दिया अब आपको डिस्टेंस लेना है सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर तब आप एक काम करेंगे एक सीधी लाइन बना देंगे और उसको अभी हमने सिक्स सेंटीमीटर की नहीं बनाई है ओ से हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया है उस पर अब हम कट करेंगे सिक्स सेंटीमीटर आप स्केल से सिक्स सेंटीमीटर ले लीजिए राउंडर पर और उसको यहाँ पर कट कर दीजिए ओ से ये आपका पॉइंट है पी जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो है P. अब आपको इस P से इस सर्कल पर बनाने हैं दो टेंजेंट्स उसके लिए ओ पी को सबसे पहले ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए ओ पी के आधे से ज्यादा का डिस्टेंस लीजिए एक ऊपर और एक नीचे आग कट करिए फ्रॉम पी सेम रेडियस मेंटेन करते हुए आगस को कट करिए ओ से और ये देखिए दोनों आगस कट हो गए अब आपका मिल गया परपेंडिकुलर बाइसेकटर ऑफ ओ पी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मुझे इसलिए जरूरत थी क्योंकि मुझे एक सर्कल बनाना है और इसका चलिए अगर हम नाम दे देते हैं ओ डैश ओ डैश ओ रेडियस लेकर मुझे एक सर्कल बनाना है जो पुराने वाले सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा और ये देखिए थोड़ा सा आप देख लेंगे ओ डैश ओ और ये ओ ये पी पर भी सेम आना चाहिए आपका अच्छा ये फिर से मैं बता रही हूँ कि ये आपकी चॉइस है आप ये फुल सर्कल बनाएं ओ डैश से या आप हाफ में भी छोड़ सकते हैं आप यहाँ सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मान लीजिए आपको मिल गए एक है मान लीजिए ये आपका टी और ये है एस आपको जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं तो काफ़ी है अब आपको पी से लेके एस को ज्वाइन करना है और एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक्सटेंड करना या नहीं करना ये आपकी चॉइस है ये देखिए ये आपका एक टेंजेंट तैयार है पी एस दूसरा है टेंजेंट आपका पी टी इस तरीके से टेंजेंट्स बनते हैं ये सर्कल था आपका ओ आप देखिए रेडियस ऑफ सर्कल है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स और आपका डिस्टेंस ओ पी इज सिक्स सेंटीमीटर्स और रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आपके हैं पी टी एंड पी एस देखिए आपको ये पूरा चीज आपने देखा कि बहुत सिंपली बन जाती है ये ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल थी और इसमें आपके फुल मार्क्स बहुत इजीली आ सकते ओके सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर्स विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे विथ रेडियस थ्री सेंटीमीटर्स और अब हमें दो टेंजेंट्स बनाने हैं जो इंक्लाइन होंगे सिक्सटी डिग्री पर इसके लिए आपको सेंटर मान लीजिए ये आपका ओ है से आपको एक इंक्लाइन पे ही रेडियस लेना है एक इंक्लाइन रेडियस ही लेंगे और अब हम ये एंगल इंटरनल एंगल बनाएंगे 120. 120 बनाने का मकसद ये है कि जो हमें फाइनल इंक्लिनेशन चाहिए वो है हमारा 60 डिग्री तो उसका मैं बना रही हूं डबल इस समय और ये देखिए डबल बनाने के लिए पहले एक 60 डिग्री के लिए जैसे बनाते थे और वही आर्क एक बार और कट करेंगे तब ये वन मिला 60 के लिए आप पहले एक रेडियस लेते थे और एक बनाते थे आर्क सेम रेडियस को मेंटेन करते हुए इस पॉइंट से एक आर्क कट किया और एक और अब आपको मिला ये 120 का एंगल देखिए ये इंटरनल एंगल आपको 120 मिल गया पी और क्यू को टच करते हुए एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंस बनेंगे जिनका एंगल आपस में सिक्सटी डिग्री होगा तो ये पता है आपको कि ओ मतलब जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे इसे एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा दोनों तरफ इनको और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा आर्क लेना है पी पॉइंट से और ये देखिए इस तरीके से सिर्फ आर्क स्टार्ट कर 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 दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें पी पॉइंट से दो आर्क्स कट करने सिमिलरली हम यहां क्यू से भी कर लेंगे दो आर्क्स एक ही रेडियस मेंटेन करके आपका काम जल्दी हो जाता है देखिए एग्जाम में टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है उसके बाद आप ये डिस्टेंस आधे से ज्यादा हो इस डिस्टेंस का या इतना ही डिस्टेंस रखें और इसमें से और दोनों पॉइंट से एक एक आर्क कट करिए देखिए इस तरह सेम आप यहां क्यू के टाइम भी कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे आर्स फटाफट रेडी हो जाएंगे और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अब देखिए आपका ये पॉइंट आते ही आप P और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ आर्स वाला पॉइंट है इसी तरह Q और इंटरसेक्शन ऑफ आर्स वाले पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया ये मिल गए आपके रिक्वायर्ड टैंज पॉइंट देखिए ये पॉइंट मिल गया आपको एक्सटर्नल पॉइंट जहां से ये टैंज बनेंगे ये एक हो गया और ये आपका दूसरा टैंजेंट बन जाएगा और इस तरीके से आप देखेंगे अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इनका 60 डिग्री ही आएगा चलिए चेक भी कर लेते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इनका 60 डिग्री है या नहीं आपस में हाँ स्लाइड बिट यस बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 60 डिग्री इस पॉइंट का नाम दे देते हैं टी ये है आपका 60 डिग्री का एंगल लिख लिया है ओपी इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी ये हमारी टेंजेंट की प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इस तरीके से ओ क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू क्यू टी उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये कंस्ट्रक्शन की है और ये इंटरनल एंगल इज 120 डिग्री अगर आप इसको देखें तो देखिए ये 90, ये एंगल 90 है और ये 120 है, तो ये अपने आप 60 डिग्री आ ही जाता है क्योंकि इंटरनल एंगल्स का सम 360 होता है किसी भी में। तो ये रहे आपके रिक्वायर्ड टेंशन तो इस तरीके से आज हमने देखा बोर्ड एग्जाम्स में जितनी भी कंस्ट्रक्शंस आई हैं, उनको हमने करके देख लिया और बहुत ही आसान तरीके से सो स्टे ट्यून टू आइडिया इनफिनी फॉर मोर एंड मोर जोमेट्री एंड मैथ्स होप यूर लाइक So, send in your suggestions and queries in the comment box, share the videos with your friends, and press the bell icon for the latest information on all the videos of maths and English. And don't forget to subscribe to the channel, Idea Include.